मैं आदमपुर हूं। मेरा जन्म 1966 में हुआ था। अपने 53 वर्षों के जीवन में मैंने कई बदलाव देखे। आज जो मेरी चित्र आप देख रहे हैं, पहले मैं ऐसा कभी नहीं था। अब मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाऊं। ये कहानी है मेरे 53 सालों के सफर की, पिछड़ेपन से प्रगति के सफर की। मेरा बचपन कई मुश्किलों से गुजरा। बंजर जमीन, रेगिस्तानी इलाका, बिजली पानी का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ। परंतु मेरी दयनीय अवस्था को देखकर एक लाल का खून खोला, एक ऐसा लाल जिसकी अथक परिश्रम की वजह से मेरी तस्वीर और तकदीर में परिवर्तन आया। इन्होंने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सारे हरियाणा में बराबर विकास करवाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी हिसार, और आदमपुर में कॉलेज, आईटीआई, हॉस्पिटल, गांव में जगह जगह हाई स्कूल, इतने इन्होंने काम कराए। ऐसी शख्सियत, वैसे उनको देखने में लगता है वो कोई देवी शक्ति थे। ऐसे महापुरुष जो जमीन से जुड़े नेता मैंने हिंदुस्तान में ऐसे पहले कभी नहीं देखे। इस महान व्यक्ति ने मेरे लोगों की पीड़ा को समझा और एक अति मानव की तरह उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। मेरे लाल की सूरत सीरत थी ही कुछ ऐसी कि वो एक अजनबी से भी पल में गहरा रिश्ता जोड़कर उन्हें अपना बना लेता था। एक ही पल में उनकी दिल की बात जानकर उनकी मुश्किलों का हल निकाल लेता था। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वर्गीय जननायक चौधरी भजन लाल मिला, जिसकी बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा रुतबा है, मेरी पहचान है। अगर किसी भी नौजवान के, बुजुर्ग के उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया ना, वो उन्हीं का हो गया। इतना तप था उनके अंदर। जैसे देखा ना, कुलदीप जी को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका तो तरीका ही अलग था। मेरी उन्नति के लिए चौधरी भजनलाल ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनके विकास का कलम निरंतर चलता रहा। FGM कॉलेज, ITI, वाटरवर्क्स, चौपाल स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, इन सभी पर चौधरी भजनलाल का नाम है। भजनलाल ने मुझे और मेरे लोगों